आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव गतौरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। इस गांव की कमान श्रीमती रेखा देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। वहीं प्रधान पति सतपाल सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाँव को 2 बार सैनिटाइज करा दिया है। लगभग 500 मास्क भी निःशुल्क वितरण किए गए हैं और जिन व्यक्तियों के पास खाने की समस्या थी ऐसे व्यक्तियों को राशन का भी इंतजाम करवा दिया गया है। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के गतौरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। इसके साथ ही अब इस कोविड-19 के दौरान भी प्रधान द्वारा यहां लोगों को काफी सुविधाएं और काफी मदद यहां मुहैया कराई गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी का। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे भी हो चुके हैं जी। इसमें आपने अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए? सीसी टाइल्स भी कराई है जी, नाली बनवाया, नाला बनवाया है, 2 नाले बनवाए साहब जी, 10-12 खरंजे कराए हैं सीसी टाइल्स के। स्कूल में भी काम कराया साहब जी, काया क्लब में, काया क्लब के अंदर गेट, लोहे के गेट, बाउंड्री वॉल, समर सेविंग टंकी वगैरह, बाउंड्री वॉल, रंगाई पुताई, टेल से लगानी है सब में, उस तरीके से हमने कार्य कराया था। यहाँ लोगों को पेंशन वगैरह सब मिल रही है? सब जो पेंशन धारक हैं वो सबको पेंशन मिल रही है। जो शादी के अगर किसी का अनुदान की बात है वो बराबर मिल रहा है। जैसे यहाँ सरकार की जो योजनाएं चलती हैं क्या उनका जो लाभ है वो सभी लोगों को मिलता है? सभी को मिल रहा है। जो मोदी जी की वो चली थी उज्ज्वला कनेक्शन या बिजली कनेक्शन जो हुए हैं मुफ्त में, उज्ज्वल कनेक्शन भी कम से कम 150 महीने करा दिए हैं गांव में। किसान पेंशन जो बनी है वो 70 आदमियों को मिल रही है। अभी इस समय में जो है महामारी में कई लोग ऐसे होंगे गांव में जिनके पास राशन नहीं है या राशन कार्ड भी नहीं है ताकि उन्हें मुफ्त का राशन मिल सके, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मदद की है? कम से कम 200 आदमियों को मैंने राशन खुद घर से भी दिया है, कुछ डीलर से भी दिलवाया है, कुछ लोगों से मैंने जो बड़े लोग हैं उनसे भी कही थी मैंने कि साहब शीघ्र जाने मिलकर इनकी भरपाई करिए। सभी लोगों मतलब सभी हर तरह से सभी लोगों ने इनकी मदद करी है। गांव में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई मैंने 2 बार सैनिटाइज करा दिया गांव जी, 2 बार जी, और हर हफ्ते झाड़ू लगती है, हर हफ्ते करने साफ सफाई बहुत बढ़िया तरीका। क्या आपके गांव में तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जिसकी जांच नहीं हो पाई या छुपाया गया या मतलब इस तरह का कोई केस तो आपके गांव में यहां ग्राम पंचायत में? 5 लोग आए थे बाहर से, तुरंत सरकार को अवगत कराए गए जी, सरकार की निगाह में हैं वो सब लोग, उनकी देखभाल में। कोई भी आदमी गांव में नहीं है, सब स्कूल में रुके थे 14 दिन, 14 दिन के बाद छोड़े गए थे गाँव में। अब अपने गांव को आप और ज़्यादा विकसित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए और ऐसा कि कोई भी बीमारी या कोई भी खतरनाक जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो गांव में ना फैले, इसके लिए क्या मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं कि गांव में मुहैया कराई जाए? जैसे अस्पताल वगैरह यहाँ बना हुआ है? अस्पताल नहीं है साहब, अस्पताल की जगह ग्राम सभा जमीन मैंने छिपवाई है अब 6 बीघे जमीन, उसमें अस्पताल भी बन जाना चाहिए जी। स्कूल भी बन जाता जो हमारे यहाँ के बच्चे 8वीं के बाद बाहर जाते हैं इधर उधर भटकते हैं इंटर कॉलेज के लिए। मैंने 8 बीघे जमीन अलग स्कूल की छिपवाई है, 6 बीघे जमीन अस्पताल की अलग। तो इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन प्रस्ताव रखा है? मैंने साहब कई प्रस्ताव दे दिए जिला पे जी, लेकिन अभी तक कोई उसमें आश्वासन दे देते हैं, बोले अब हो जाएगा और अभी तक तो कोई। कितना टाइम हो गया कोई? करीब 7 महीना हो गया मुझे करते हुए, 7 महीना से पहले मेरे यहाँ चकबंदी हुई है, पहले से तो जमीन ना थी जी। तो इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब जो सरकारी बिल्डिंग में और कुछ यहाँ बना हुआ है जैसे बारात घर, पंचायत घर, कुछ नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या मांग अपने गाँव के लिए रखना चाहेंगे? बारात घर मिल जाए तो बड़े गरीब आदमियों की, अब किसी के पास जगह तो है नहीं, पहले चौपारे होती थी, किसी की शादी रुक जाती थी वहाँ पे बारात, और इस टाइम तक कोई भी गांव में ऐसी जगह जाने के लिए आदमी करता है। अब इस महामारी को लेकर के इसकी सावधानियों को लेकर ऐसा भी हो सकता है कि लोग? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैंने सभी से पूरे गाँव में जन जन से जान के 2 मीटर दूरी का फैसला लो और बिना मास्क के कोई ना निकले, मैंने जिसमें 500 मास्क अपने गांव में बांटे हैं जी, 500 मास्क पूरे गांव में मैंने बांटे हैं साहब,
कोई भी आदमी एक दूसरे की दूरी, सवेरे को अपने मोड़े पर हर आदमी झाड़ू लगाएगा, पहले तो मैं लगाता हूँ अपने मोड़े पर खुद झाड़ू, तब लोग बागों ने देखी देखा काफी हद तक जागरूक किया है अपने वो सब लोग अपने अपने मोड़े पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों कि जब मैं लगा रहा हूँ तो और भी लगा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नाला भी यहाँ इन्होंने बनवाया है, उसके अलावा स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी काम हुआ है। इसी के साथ ही अब इस कोविड-19 के महामारी के दौर में भी प्रधान द्वारा यहाँ गाँव में लोगों को काफी मदद दी गई है और काफी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई गई हैं, जैसे कि सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया है, लोगों को साफ सफाई और इससे बचाव के लिए जागरूक भी किया है, काफी गरीब लोगों की राशन के हिसाब से इन्होंने मदद भी की है। और बाकी यहाँ पर अगर समस्याओं की नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि सबसे जो प्रमुख समस्या है वो अस्पताल है, जो यहाँ आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं है, जिससे कि ये मांग रखते हैं कि अगर एक अस्पताल और एक इंटर कॉलेज यहाँ पर जरूर बनना चाहिए, जिसके लिए जमीन छुड़वा रखी है, प्रस्ताव भी दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही या कोई स्वीकृति इन्हें नहीं मिली है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पूरा करें। अशरफ अली के साथ मनाजरी।